नमस्कार दोस्तों, टेक्निकल ऑटोटेक में आपका स्वागत है। दोस्तों आज अपने पास बोलेरो मैक्सी ट्रक प्लस है BS6। तो इसमें कस्टमर का कंप्लेंट है कि गाड़ी लॉन्ग सेल्फ लेती है और बहुत बार इंजन राउंड लेने के बाद गाड़ी स्टार्ट होती है। तो इस फॉल्ट को अपन ट्रेस करेंगे और क्लियर करेंगे। तो आपको एक बार मैं लाइव फॉल्ट दिखाता हूँ कि इसके अंदर क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो गाड़ी को एक बार स्टार्ट करते हैं। BS6 है तो गाड़ी को एक बार मैं स्टार्ट करता हूँ। एक बार इग्निशन स्विच ऑन करता हूँ। यहाँ पे देखेंगे तो इसका सब लाइट वगैरह आ रहा है इसके अंदर, एसी आर का वगैरह। तो एक बार मैं इसको क्रैंकिंग करता हूँ और आपको दिखाता हूँ। मैं क्रैंक करता हूँ और ये अभी हिलेगी, ये अभी पूरा मौसम नहीं पकड़ेगी, मतलब एक्सीलेटर छोड़ देगी। इसको एक बार वापस बंद करता हूँ मैं। इग्निशन स्विच ऑन कर गया। और इंजन पहला स्टार्टिंग में आपका पूरा है ना ऐसा हिलेगा, एक दो पाँच मिनट रेस्ट नहीं होएगी, बाद में इंजन स्टडी हो जाएगा, यही प्रॉब्लम है। आपको सबको दिखाता हूँ। देखो इंजन पूरा हिल रहा है, अभी अभी स्टेबल नहीं है इंजन, थोड़ा टाइम जाएगा। और स्टार्टिंग का कम से कम एक मिनट ही है, गाड़ी को थोड़ा स्टेबल होने को टाइम जाता है, फिर एक्सीलेटर छोड़ देगी। कभी 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 भी बहुत लंबा सेल्फ लेगी। और मैंने स्कैनर को कनेक्ट किया है तो आपको दिखाता हूँ मैं इसके अंदर क्या प्रॉब्लम है। इग्निशन स्विच ऑन किया मैंने और जाते डायग्नोस में, आप इंटेलिजेंट डायग्नोस में भी जा सकते हैं। और कभी कभी तो दो दो चार चार बार सेल्फ मारना पड़ता है, उसके बाद कभी स्टार्ट हो जाती है। व्हीकल सिलेक्शन BS6 UDS फर्स्ट वाला आएगा। तो ये अभी इसके अंदर नो ट्रबल कोड बता रहे, लेकिन मैंने इसको फॉल्ट कोड को अभी जस्ट क्लियर किया और उसके पहले जो फॉल्ट कोड उसके अंदर शो हो रहा था वो मैंने इसका फोटो निकाला हुआ है, आपको ऐसा को दिखाता हूँ मैं। ये इसके अंदर प्रॉब्लम आ रहा था, P00880 मैक्सिमम पोजीशन डेविएशन ऑफ रेल प्रेशर एक्सीड। और ये करंट में फॉल्ट कोड है। और दूसरा एक उसके साथ में ये आ रहा था, लेकिन ये अभी हिस्ट्री में चला गया था, P00889B मैक्सिमम पॉजिटिव डेविएशन ऑफ रेल प्रेशर एक्सीड कंसर्निंग सेट फ्लो ऑफ फ्यूल। लेकिन ये हिस्ट्री में चला गया, लेकिन ये देखेंगे ना तो ये करंट में था P00888। तो इसको अभी मैंने क्लियर किया, इसके वजह से फॉल्ट कोड चला गया, लेकिन ये जैसा भी गाड़ी में चलाऊंगा थोड़ा टाइम तो ये फॉल्ट कोड वापस जनरेट हो जाएगा। तो एक बार मैं जो फॉल्ट कोड के हिसाब से अपन इसका फ्यूल पंप का जो टैंक है वो उसको एक बार मैं खोलता हूँ और आपको दिखाता हूँ प्रॉब्लम क्या है। ठीक है, P00888। एक बार टैंक खोलते हैं। ओके
फाइनली इसका मोटर खोल लिया ओल्ड वाला, और यहाँ पे मैंने न्यू लाया, न्यू ब्रांड। उसके साथ गेज नहीं आता है, गेज आपको जूना ही लगाना पड़ेगा, तो जूना गेज लगा दिया मैंने इसका निकाल के। और अभी करते हैं नया को फिटिंग। तो फाइनली इसका जो टैंक का जो लो फ्यूल पंप आता है, लो प्रेशर फ्यूल पंप, वो डाल लिया। और एक बार गाड़ी को भी स्टार्ट करके दिखाता हूँ आपको मैं। इग्निशन स्विच ऑन करते हैं और करूँगा मैं क्रैंक। तो देखेंगे तो हाफ सेल्फ में गाड़ी अपनी स्टार्ट हो गई। ये पहला बहुत राउंड लेता था, कभी हो जाती थी और कभी कभी बहुत लॉन्ग सेल्फ लेती थी। और स्टार्टिंग में तो लॉन्ग सेल्फ लेके फिर एक मिनट रुकना पड़ता था, गाड़ी एक्सीलरेट नहीं होती थी प्रॉपर। फिर जब भी एडलिंग में रुकेगी एक मिनट, उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता फिर गाड़ी मौसम पकड़ देती। तो एक बार वापस आपको मैं सेल्फ मार के दिखाता हूँ। और उसको बार बार सेल्फ मारेंगे, लॉन्ग सेल्फ लेने के बाद है ना फॉल्ट कोड इसके अंदर आता था। अभी देखेंगे रेड ट्रबल कोड, तो यहाँ पे अभी कोई फॉल्ट कोड शो नहीं हो रहा है। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपको फ़ायदा हासिल हुआ रहेगा। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।